ये जी, ये बॉडी के ऊपर एंटीना लगा होता है बैक साइड पे, ठीक है। इस एंटीने के ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये नीचे की तरफ, ये बोर्ड के साथ टच नहीं हो रहा होता। यहाँ पे ये बोर्ड के पॉइंट है, यहाँ पे ये टच नहीं हो रहा होता, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, पहले अगर ये टेढ़े मेढ़े हैं तो इनको सीधा कर लें, ठीक है जी। ये प्रॉपर हो गए हैं दोनों। अब ये जो पॉइंट है इनको अच्छी तरह से साफ कर लें। साफ करने के लिए आप कॉटन बड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जस्ट यहाँ से ऐसे साफ कर लें सारी सर्विस को। बाज का जिसके ऊपर नमी आ जाती है या कार्बन आ जाती है, जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा होता, ठीक है। सर्फेस को अच्छी तरह से सारा एंटीना, एंटीने का पॉइंट है यहाँ पे, एंटीना आगे कनेक्ट होता है। साफ करने के बाद आप इसको सोल्ड कर दें। सोल्ड कर दिया हमने। उसके बाद ये देखें, दोनों तरफ से प्रॉपर सोल्ड होना चाहिए। नहीं नहीं, अब तकरीबन बराबर है। अब इसको हम पैक कर देंगे। पहले जैक वाली साइड अंदर करनी है। साइड को अच्छी तरह से प्रेस कर दें। एंटीने का पेज, ये जो स्पीकर वाली साइड है, एलसीडी की आपने तैयार करनी है। ये पेज जो है, ये वापस हम इसको बंद कर देंगे। कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं जी, एंटीना टच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो एंटीने के पॉइंट जो है वो टच हो रहे हैं। इसको आपने बंद कर देना। इसके बेस बंद कर दें। ये बात याद रखें, आपने ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ये आराम से ही बंद हो जाते हैं। बोर्ड के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना, एलसीडी भी टूट सकती है और बोर्ड में भी मसला आ सकता है। अब आप ये देखें, ये एंटीने पॉइंट हमने मीटर के साथ, मीटर को कंटिन्यूटी पर रख लें, कंटिन्यूटी या होम पर रख लें। अगर आपके पास डिजिटल मीटर है तो उसको बजर पर रख लें, अगर एनालॉग है तो आप उसको कंटिन्यूटी पर रख लें या होम पर। ये ग्राउंड है मोबाइल की, ये इसके साथ अटैच करें और ये एंटीने के साथ। तो ये एंटीने के साथ बिल्कुल अटैच है, दोनों पॉइंट जो है ये अटैच है, ठीक है। यही हमने चेक करना था। अब हमारा एंटीना कनेक्ट है तो अब सिग्नल आने चाहिए, ठीक है जी। ये आपको सिम डाल के सिग्नल चेक करवा, देखो इसने मोबाइल ने सर्चिंग कर ली है, जायज़ आ रहा है लिखा हुआ। ये देखें सिग्नल पूरे आ रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें, ताकि मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे, ठीक है जी।